हेलो गाइस, ट्रेड अपना कंप्लीट हो चुका है और मार्केट का अगर बिहेवियर देखेंगे ना, आप अगर ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है। हमें भी चाहिए कि उसके साथ अपने आप को चेंज करें। तो खैर, हमने कुछ गलती तो नहीं किया था, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया था, बड़ा ही अच्छा ट्रेड बनाया था। एक्सपायरी था निफ्टी 50 में, वेट करके अच्छा सा कैंडल देखा, प्राइस एक्शन देखा, उसके बाद जाके हमने ट्रेड बनाया था। बट देखिए, जितना भी अच्छा ट्रेड बनाइए, लॉस होने का प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल लगा ही रहता है। तो अपना स्टॉप लॉस सेट हो गया, हमने एग्जिट कर दिया। बाकी आप ट्रेड देखो, ट्रेड बड़ा ही ज़बरदस्त बनाया था, लेकिन थोड़ा सा वॉलीटिलिटी मोमेंटम कुछ ज़्यादा ही मेरे को देखने मिल रहा है और बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है मार्केट का। मतलब चार्ट वगैरह सब कुछ रिपीट कर दे रहा है कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन। खैर ठीक है, लॉस तो होते रहता है, ज़्यादा बड़ा कोई लॉस नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस गया। बाकी आप ट्रेड देखो और बताना आपका क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। देखिए फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, यहाँ पे हम किस तरह से ट्रेड करने वाले। देखिए बायर सेलर का अगर साइकोलॉजी समझे ना, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, मार्केट में बड़ा अच्छा अपसेट का मोमेंटम देखने मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं लास्ट में गिरावट आया। अब देखिए ये गिरावट ऐसा है ना, यहाँ पे जो भी सेलर आने का कोशिश किया था ना, उन सबको निकालने के बाद मार्केट गिरावट दिया है। यहाँ पे सेलर आने का कोशिश किया, यहाँ पे आने का कोशिश किया, सबको निकालने के बाद उसके बाद ये सेलिंग आया। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये अगर स्ट्रॉन्ग सेलर है तो मार्केट में हम पुट साइड में काम करने का कोशिश करेंगे जब तक मार्केट 25,080 के नीचे नीचे रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए बायर का स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि राउंड लेवल से एग्जैक्टली सपोर्ट लेके गया ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे बायर्स बैठा होगा। ऊपर से एक्सपायरी है, तो नीचे वाले जो बायर्स हैं ना, उन सबको मार्केट आज हो सकता है ट्रैप करें। बाकी यहाँ पे अपना पुट साइड का प्लान है, तो वेट करते हैं, ओपन होने देते हैं, कैंडल वगैरह देख के एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम काम करने वाले हैं, मार्केट में थोड़ा बहुत ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास आया हुआ है। बाकी देखिए कैंडल थोड़ा बहुत स्ट्रांग बना रहा है, इसलिए अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ। मुझे चाहिए थोड़ा छोटा छोटा कैंडल बनाएगा ना तो ठीक रहता है, स्ट्रांग कैंडल में डायरेक्टली सेलिंग करना ना ट्रैपिंग वगैरह में डाल देता है। बैंक निफ्टी में भी देखिए बड़ा अच्छा कैंडल बना अपसाइड का, इधर में ब्रेकआउट वगैरह भी हुआ, अभी रिजेक्शन लेने का कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी ठीक जगह से रिजेक्शन नहीं ले रहा, बाकी देखते हैं, अपना तो निफ्टी में काम है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने देखिए पोजीशन बना लिया है, एग्जैक्टली इस वाले कैंडल पे हमने एंट्री बनाया और बाय किया है 25,100 का पुट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिस्क डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमने यहाँ पे पुट साइड में काम क्यों किया है। देखिए अच्छा से हमने मार्केट में वेट किया, तब जाके हमने पोजीशन बनाया। अब मार्केट में एक्सपायरी वाला दिन है, थोड़ा बहुत वॉलीटिलिटी हो सकता है, बाकी अपना व्यू बिल्कुल क्लियर था। प्रीमियम जो बाय हुआ ना, 75.55 के आसपास जो प्रीमियम अपना बाय हुआ है, 75.55, ठीक है। जो रिक्स बैठ रहा है ना, 10-11 पॉइंट के आसपास अपना यहाँ पे रिक्स बैठ रहा है, और टारगेट लगभग 1:2 तो ज़रूर यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाया पुट साइड का, ठीक है। अब देखिए मार्केट में आराम से हमने वेट किया, हमने डिस्कस किया था कि ये जो सेलिंग आया हुआ है, ये जो सेलिंग आया, जितने भी सेलर थे सबको निकालने के बाद सेलिंग है। अब देखिए यहाँ से जब मार्केट चला होगा, जब यहाँ पे साइडवेज हुआ होगा ना, तो यहाँ पे ज़्यादातर बायर से काम करने का कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया होगा, तो ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलर काम करने का कोशिश किया होगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलर होगा। यहाँ पे तो देखिए सब कोई बाइंग करने का ही सोच रहा होगा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम तेज़ था, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम है ना, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो वीकेंड सेलर था, मार्केट ने उसको निकाल दिया है, और 25,000 के लेवल के आसपास देखिए आज एक्सपायरी वाला दिन है, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस में भी आज मार्केट खा सकता है, और यहीं से भागने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता मार्केट ज़्यादा ऊपर भाग पाएगा। मैं ये जो मोमेंटम है ना, जस्ट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो आसपास का सेलर था, मार्केट ने उसका स्टॉप लॉस हिट करा दिया है, और अभी कहीं ना कहीं जो रिजेक्शन ले रहा है, अपना रेजिस्टेंस लेवल भी आसपास है, तो मार्केट यहाँ से गिरावट कर सकता है। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में भी देखा, बैंक निफ्टी में देखा कि मार्केट ओपन होते देखिए क्या क्या 51,000 का सपोर्ट लिया, और बैक टू बैक किस तरह से ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है देखिए। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता ये सस्टेन कर पाएगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस ज़्यादा था, तो इस वाले मोमेंटम में मे भी वो निकल गए होंगे, और
राउंड लेवल के आसपास से जब ब्रेकआउट किया हुआ था, यहाँ पे नए बायर्स ऐड होंगे तो बैंक निफ्टी भी गिरावट करेगा, तो साथ ही साथ निफ्टी में भी हमें गिरावट देखने मिलेगा। बाकी ये सोच के हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया और ज़्यादा लॉजिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक के साथ ट्रेड बनाया। अभी मार्केट कहीं ना कहीं घूमने की कोशिश कर रहा है और छोटा मोटा लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं, वेट करते आराम से, जब तक स्टॉप लॉस बचा है तब तक हम यहाँ पे वेट करेंगे। लगभग अपने स्टॉप लॉस के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है और एक कैंडल अगर यहाँ पे ग्रीन बना है ना तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, हम एग्जिट कर देंगे। 300 के आसपास अपना स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ा है, जिस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है ना, तो बैंक निफ्टी तो भाई ब्रेकआउट करने वाला है। इसको एग्जिट करते हैं अब। तो गाइज़ मार्केट अपना स्टॉप लॉस हिट करने के बाद नीचे जाने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए मार्केट का बिहेवियर अगर देखेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है पहले से। आप अगर ट्रेड करते तो आपको समझ में आ रहा होगा, हर से ज़्यादा ही मार्केट मतलब वॉलीटिलिटी क्रिएट कर रहा है और चार्ट वगैरह भी रिपीट कर दे रहा है। और वैसे देखिए मेरा व्यू तो क्लियर था, मैंने अपने व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया था। ये जो सेलिंग आया था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग सेलर का काम है, क्योंकि मार्केट में देखिए बड़ा अच्छा मोमेंटम दिया था। मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ, मार्केट में बड़ा अच्छा मोमेंटम दिया था, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं जो भी सेलिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहा था सारे को निकालने के बाद यहाँ पे सेलिंग आया था। तो मुझे लग रहा था स्ट्रॉन्ग सेलर आया हुआ है, मार्केट कई दिन से ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं ना तो वो बैठे होंगे, 25,000 का अच्छा सपोर्ट लिया है, तो मे बी मार्केट आज इन बायर्स को टारगेट कर सकता है एक्सपायरी की वजह से, ठीक है। तो ये सोच के मैंने यहाँ पे अच्छे से वेट किया, उसके बाद मार्केट जब ये अपसाइड का मोमेंटम दिया ना तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत सेलर बैठा था, ठीक है, तो वो निकल गया होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं रिजेक्शन लिया, फिर जाके हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। लेकिन अब देखिए क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। खैर कोई बात नहीं, हमने अपने लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे काम किया, छोटा सा स्टॉप लॉस दिया, मार्केट में एग्जिट कर दिया, ठीक है। बट अभी जो साइकोलॉजी समझ में आ रहा है ना, ये जो मोमेंटम था देखिए, ये जो गिरावट था कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे बायर्स को निकाल दिया होगा, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो दो तरह का साइकोलॉजी बन रहा है, लेकिन मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर ही आया हुआ, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी था। और अभी भी देखिए मार्केट मतलब इंडेक्स जो है ना अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा है। बाकी ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं।